गाइस, जब हमको किसी से कुछ बात की कंफर्म करनी हो तब हम इस प्रकार सेंटेंसेस का यूज करते हैं, जहां पर हम कहते हैं कि अगर मैं वहां जाऊँ तो चलेगा, अगर मैं इसे पढ़ लूँ तो चलेगा, अगर मैं 2 दिन बाद आऊँगा तो चलेगा। गाइस, इस प्रकार सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर की यूज किया जाता है आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। इज इट ओके इफ, इसके बाद कंप्लीट सेंटेंस जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस पे रहेगा। इसके बाद अगर आप लिख रहे हैं तो लास्ट में आपको एक क्वेश्चन मार्क लगानी पड़ेगी। चलिए कुछ एग्जांपल के मदद से इसे और भी बेहतर समझते हैं। अगर मैं वहां जाऊँ तो चलेगा। इज इट ओके इफ आई गो देयर। इज इट ओके इफ आई गो देयर। अगर मैं कॉफी बना दूँ तो चलेगा। इज इट ओके इफ आई मेक कॉफी। इज इट ओके इफ आई मेक कॉफी। अगर मैं इसे पढ़ लूँ तो चलेगा। इज इट ओके इफ आई रीड दिस। इज इट ओके इफ आई रीड दिस। अगर मैं 2 दिन बाद आऊँगा तो चलेगा। इज इट ओके इफ आई कम आफ्टर 2 डेज। इज इट ओके इफ आई कम आफ्टर 2 डेज। अगर मैं एसी चालू करूँ तो चलेगा। इज इट ओके इफ आई टर्न ऑन द एसी। इज इट ओके इफ आई टर्न ऑन द एसी। अगर मैं ये ले लूँ तो चलेगा। Is it okay if I take this? Is it okay if I take this? अगर मैं ना आऊँ तो चलेगा? Is it okay if I don't come? Is it okay if I don't come? केवल 50 रुपया दे दूँ तो चलेगा? Is it okay if I give 50 rupees only? Is it okay if I give 50 rupees only?